हे गाइस, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर से इन्वेस्टिंग के आइडियाज़ के कनेक्शन में इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए ऐसे कौन से स्टॉक्स या होल्डिंग्स हैं जो उसे अवॉइड करना चाहिए, और इवन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को ऐसे स्टॉक्स या होल्डिंग्स को फुल प्राइस पे बाय ना करके बार्गेन प्राइस पे बाय करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं। पहला तो जो ऑथर रेकमेंड करते हैं वो है फॉरेन बॉन्ड्स का, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ के बॉन्ड्स एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को अवॉइड करने हैं। और दूसरा है ऑर्डिनरी प्रिफर्ड स्टॉक्स। प्रिफर्ड स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिसमें कि होल्डर एक परफेक्ट डिविडेंड पेमेंट को एंटाइटल्ड होता है, और एक कंपनी ऐसे पेमेंट को पे करने के लिए अदर कॉमन शेयर डिविडेंड्स के ओवर प्रायोरिटी देती है। यानी कि पहले उस होल्डर को पे करना होगा, प्रिफर्ड स्टॉक्स के होल्डर को, किसी भी कंपनी को, इससे पहले कि वो दूसरे कॉमन शेयर डिविडेंड्स को पे करे। और तीसरी जो कैटेगरी ऑथर सजेस्ट करते हैं वो सेकेंडरी कॉमन स्टॉक्स की है, जिसमें कि उसके ओरिजिनल ऑफरिंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अब सेकेंडरी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि लीडर नहीं होती है एक फेयरली इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री में। तो ये सारी तीन कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स या होल्डिंग्स हैं जो कि एक डिफेंसिव इन्वेस्टर को कम्प्लीटली अवॉइड करनी है, और इवन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को इसे सिर्फ बार्गेन प्राइस पे बाय करना है। अब ये फुल प्राइस और बार्गेन प्राइस क्या होता है? फुल प्राइस जो प्रिफर्ड स्टॉक्स या बॉन्ड्स के रिलेशन में है तो वो उसकी पार वैल्यू के इक्वल होता है, और जो कॉमन स्टॉक्स के रिलेशन में है तो वो उसकी फेयर बिजनेस वैल्यू के इक्वल होता है। यानी कि अगर हम उसका एक्चुअल कैलकुलेशन करें उसकी अर्निंग्स वगैरह का, तो जो रीजनेबल प्राइस आता है उस कंपनी का वो होता है उसका फेयर बिजनेस वैल्यू, और जो कि उसके फुल प्राइस के इक्वल होता है। तो ऑथर ये सजेस्ट करते हैं कि एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को उसके 2/3 पोर्शन से ज़्यादा पे नहीं करना है ऐसे स्टॉक्स या होल्डिंग्स के लिए। तो इस तरीके का प्राइस उसका बार्गेन प्राइस कहलाएगा। तो किसी भी हाल में एक एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को इन स्टॉक्स या होल्डिंग्स के लिए 2/3 प्राइस से ज़्यादा पे नहीं करना है, और डिफेंसिव इन्वेस्टर को ऐसी स्टॉक्स या होल्डिंग्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना है। तो ये कुछ आइडियाज़ थे इन्वेस्टिंग के द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक से, जो कि एक बहुत ही अच्छी बुक है इन्वेस्टिंग सीखने के लिए। और इवन वॉरेन बफेट, जिसको कि वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड में, वो भी इस बुक को रेकमेंड करते हैं इन्वेस्टिंग सीखने के लिए। तो अगर आप इस वीडियो पे अपना कमेंट देना चाहते हो तो अपने लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू दे सकते हैं, और अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं और इसे ख़रीदना चाहते हैं तो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अगर आप और वीडियोज़ देखना चाहते हैं इस बुक से रिलेटेड, या ऐसी किसी बुक से रिलेटेड, या इन्वेस्टिंग के आइडियाज़ से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। तो मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।